وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. पहली नशिस में हमने दो जुमलों की मुख्तसर सी वजाहत की, या मन अर्जुहु लिकुल्ल खैर व आमन सहतहु इंदा कुल्ल शर। अगले मरहले में बंदा अपने परवरदिगार से मुखातब करते हुए कहता है, या मन युअतिल कसीरा मिन कलील, ऐ वो ज़ात जो बहुत ही कलील, बहुत ही कम इबादत के बदले में बहुत ही ज़्यादा सवाब अता करता है। खुदा क्या है, इंसान से कम लेता है, बहुत ज़्यादा देता है। कसीर उसमें हद मुअय्यन नहीं है कि इतना ही देंगे, बल्कि हद का इसका दायरा बहुत ही ज़्यादा वसी है। यहाँ पर सिर्फ मुतलक तौर पे कसीर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तादाद बयान नहीं की जा रही है। अब ये इंसान का इखलास है, जो हिसाब से उसका इखलास होगा खुदावंद आलम उसी एतबार से उसे अता करेगा। तो ये खुदावंद आलम का फ़ायदा दुनिया की मादी ज़राअत में भी ये चीज़ पाई जाती है। एक किसान दाना एक बोता है तो हज़ारों दाने उससे निकल आते हैं। या मन युअतिल कसीरा बिल कलील, और कलील देता है आदमी, बहुत कम, एक दाना उगाता है तो हज़ारों दाने, फल की एक बीज बोता है तो हज़ारों सालों, फिर एक साल नहीं, फिर हर साल मुसलसल उससे फल निकलते हैं। एक मरतबा इंसान बीज बोता है तो ये दुनिया की ज़राअत हम अपनी आँखों से देखते हैं, ताकि आखिरत में जो आज खुदावंद आलम हमें देखा देगा उसे महसूस कर सकें। तो मानवी और रूहानी अज्र भी ऐसे ही खुदावंद आलम देता है, इंसान से मुतालबा करता है कम का। हालांकि आप ये बताइए, हमारे किस अमल से खुदा का फ़ायदा है? क्या हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या हमारी नमाज से खुदा को फ़ायदा है? क्या हमारे रोज़े से खुदा को फ़ायदा है? हमारे हर अमल में हमारा अपना ही फ़ायदा है, लेकिन फिर भी खुदावंद आलम का ये लुत्फ व करम देखिए। खुदा कहता है, तुम अगर दो रकात नमाज घर में पढ़ते हो तो दो ही रकात का तुम्हें सवाब मिलेगा, अगर महल्ले की आम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो तो दो रकात के बदले 70 रकात का, अगर तुम मस्जिद जामे में पढ़ते हो तो दो रकात के बदले 100 रकात का सवाब तुम्हें अता किया जाएगा। मस्जिदुल हराम में तुम्हें तौफीक हो जाए, जो खाना काबा के अतराफ है, तो वहाँ पर हर रकात के बदले 1,00,000 रकात का सवाब खुदावंद आलम हमें अता करेगा। नमाज तो वही है, अपने फ़ायदे के लिए है, लेकिन फिर खुदावंद आलम ने कहा, अच्छा नहीं, तुम खाना काबा नहीं पहुँच सकते, अपनी ही जामे मस्जिद में, मस्जिद इमाम रजा में तुम नमाज पढ़ोगे, 10 आदमियों से ज़्यादा हो जाएंगे तो इतना अज्र होगा कि फरिश्तों को भी उसका इल्म नहीं होगा, सिवाय खुदा के कोई और उसके अजर को नहीं जान सकता। है ना, कलील दो रकात नमाज हमसे मांग रहा है और इतना अजर खुदावंद आलम हमें दे रहा है। तो हर इबादत का फ़ायदा हमारा अपना है, लेकिन अजर खुदावंद आलम बे इंतहा उसे दे रहा है। लेता बहुत कम है, लेकिन अता बहुत ज़्यादा करता है। कितना देता है खुदावंद आलम, मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश कर दूं। आप फ़र्ज़ करें 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना और 70 मरतबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इसके लिए कितना टाइम लगता है?
5 मिनट 6 मिनट बहुत ज़्यादा आपने आराम आराम से सुकून के साथ पढ़ा तो 10 मिनट उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना और 70 मरतबा इस्तग़फ़ार में। लेकिन रिवायतों में है कि अगर इंसान नमाज असर के बाद 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना और 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता है तो रिवायत में है कि असर के मौके पर अल्लाह के बंदे पूरी दुनिया में जितने भी बंदे हैं इबादत करते हैं तो उन तमाम बंदों की इबादतों का सवाब उसे मिलता है जो 10 मरतबा इन्ना अंज़लना और 70 मरतबा इस्तग़फ़ार। कितने बंदे होंगे अल्लाह के जो असर के बाद नमाज असर पढ़ के दुआ करते हैं, अपने लिए दुआ खैर मांगते हैं खुदा से, तो जितने भी बंदे उस वक्त इबादत कर रहे होते हैं और उन तमाम बंदों को अल्लाह जो सवाब देता है इकट्ठा वो सवाब उस आदमी को दे देता है ना। कलील के मुकाबले में कसीर है कि नहीं, कम के बदले बहुत ज़्यादा खुदावंद आलम है जो अता कर रहा है। अच्छा है इससे बढ़कर और भी कि ये तो कसीर का लफ्ज़ दुआ में इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना खुद कुरान मजीद की आयत कह रही है कि अगर इंसान इखलास की मंजिलों को तय करता हुआ इखलास की बुलंदी को हासिल कर ले तो मैयशा बग़ैर हिसाब, खुदावंद आलम जो देता है उसका कोई हिसाब ही नहीं होता और इतना कि इंसान उसका गुमान भी नहीं कर सकता, और इंसान की इखलास मेराज की मंजिल पर पहुंच जाए तो खुदावंद आलम क्या है खुद अपनी मर्जी देने के लिए भी तैयार है, अपनी मर्जी भी खुदावंद आलम देता है मौलाए कायनात के साथ। क्या है एक इखलास की मंजिल पर अमल था पैगंबर इस्लाम को बचाने के लिए, उनकी जगह पर सो गए तो ये इखलास अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कहा ए अली अब तुम्हारा अज्र एक के बदले 100, 100 के बदले 1000 नहीं है बल्कि तुमने जो इखलास से अमल अंजाम दिया है उसका अज्र ये है कि अब मैं मेरी मर्जी तुम्हारे हवाले कर दूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, है ना। अगर इंसान अल्लाह को वाकई पुकार के दुआ करता है इबादत करता है लेकिन उसमें इखलास होता है तो उस कम के बदले में बहुत ज़्यादा खुदावंद आलम अता करता है। तो यही एक जुमला है जिसमें इंसान अगर इसको समझ जाए और दर करे तो शायद उसका दामन कभी इबादतों से ना छूटे कि हमारी औकात ही क्या है, हम कर भी क्या सकते हैं खुदा के लिए, लेकिन खुदावंद आलम इतना रहीम करीम है कि वो बहुत ही कम हमसे लेकर बहुत ज़्यादा, कभी कभी उसका हिसाब भी नहीं होता, उतना ज़्यादा हमें अता करता है। या मन युती मन सअला है वो ज़ात जो हर सवाल करने वाले को देता है। इंसान खुदा की बारगाह में मांगता है, तलब करता है, सवाल करता है गिड़गिड़ा के तो खुदा बंद आलम उसे ज़रूर अता करता है। तो या मन युती मन सअला सही जो सवाल करे उसको भी देता है। ओ इतना ही नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर खुदा का रहम व करम देखिए वह मन लम यस्अल उसको भी देता है जो खुदा से सवाल ही नहीं करता है ना। हमने कब अल्लाह से आंखें मांगी थी कि अल्लाह ने हमें आंखें दिया है, कब हमने अल्लाह से कल्ब सलीम सही सेहतमंद दिल मांगा था अल्लाह ने हमें दिया है ना। बिना मांगे भी अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे दिया है सही। अच्छा चलो भाई मांगे ना मांगे वो एक अलग मरहला है। अगला जुमला देखिए कि या मन युती मन लम यसअल व मन लम यारिफ यानी खुदावंद आलम उसको भी अता कर देता है जो खुदा को पहचानता ही नहीं है, है ना, जो खुदा की शनाख्त ही नहीं रखता, जो खुदा की मारिफत ही नहीं रखता उसको भी खुदावंद आलम अता कर देता है। दुनिया की नेमतों का मामला जहाँ तक है खुदावंद आलम कभी ये नहीं कहता कि उसने आज मेरा सजदा नहीं किया है तो मैं आज उसे दिन की रोशनी नहीं दूंगा, उसके घर में या उसकी छत पे बारिश को नाजिल नहीं करूंगा। हालांकि खुदा इख्तियार रखता है, चाहे तो ये काम
कर सकता है, लेकिन खुदावंद आलम का ये रहम करम है कि जो उसे मांगना तो दूर की बात, उसे पहचानता भी नहीं है, उसको भी अता करता है। अच्छा, पहचानना ना पहचानना एक अलग मरहला, फिर भी जो खुदा का इनकार करते हैं उनको भी खुदावंद आलम दे देता है। जो खुदा के मुकाबले में खुदाई का दावा करते हैं उस वक्त भी खुदावंद आलम उन्हें अता कर रहा होता है। ये खुदा का बहुत बड़ा लुत्फ़ो करम है। और खुदा की बारगाह में और दुआ है खुदावंद आलम हमें वाजिबात के साथ साथ मुस्तहबात पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله